a very good morning to the students of class 11th in class of economics we are here on our lesson number 5 that is theory of demand this is our lecture number 16 in our last lecture we have discussed movement along demand curve and shift in demand curve today we are going to explore this last topic that is shift in demand curve and today we are going to discuss a new topic that is reasons for the shift in demand curve so let's get started so in the shift of demand curve we are going to start with the very first that is forward shift of demand curve demand curve shifts in two direction one is leftwards another one is rightward this rightward movement in the shift of demand curve is known as forward shift in demand curve see it happens like इट इंक्रीज इन डिमांड विदाउट एनी चेंज इन द प्राइस यानी प्राइस जो है आपका वो सेम ही रहेगा और विदाउट चेंज इन द प्राइस योर क्वांटिटी डिमांडेड विच इज अर्लियर डी डी कर्व जो था उसके बजाय अब एक न्यू डिमांड कर्व आपके सामने बन के आएगा जो होगा डी डैश डी डैश यानी कि फॉरवर्डशिप जिसे हम आपका राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर भी कहते हैं ऑल्सो वी कॉल इट एज इंक्रीज डिमांड कर ओके ये होता किन किन रीजन से हैं हम आज के लेक्चर में इसी टॉपिक को कवर करेंगे देर आर सर्टन रीजन फॉर दिस शिफ्ट यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं सो वॉट आर दीज रीजन्स चलिए तो सबसे फर्स्ट पे आते हैं वेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इनक्रीज यानी जब भी कभी आप एज अ कंज्यूमर अपने आप को ट्रीट करें और आपकी इनकम में जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आप अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड भी क्या कर देंगे बढ़ा देंगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे बताइए आप एक कंज्यूमर हैं ठीक है पहले आप एप्पल्स खरीदते थे ठीक है आपने पहले हंड्रेड रुपीज़ के जी एप्पल था तो आपने एक किलो एप्पल लिया होगा लेकिन अब आपकी इनकम जो पहले दस हज़ार थी उसके बजाय अब पंद्रह हज़ार हो गई है तो आप एक से डेढ़ किलो तो आ ही सकते हैं सेम प्राइस है एप्पल का स्टिल यू कैन अफोर्ड एक्स्ट्रा तो इसीलिए जो हमारा प्राइस सेम होने के बावजूद भी हमारे प्रोडक्ट का प्राइस सेम होने के बावजूद भी हमारी इनकम में इंक्रीज आने की वजह से हमने प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया यानी कि देर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट क्लियर अगले पॉइंट पर आते हैं व्हेन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस यानी कि जब भी कभी सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा मैंने सब्सिट्यूट गुड्स कौन से बताए थे आपको जैसे कि टी एंड कॉफी ओके सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है ये इसी को ले लेते हैं टी एंड कॉफी एप्पल के साथ औरेंज को ले लेते हैं चलिए ठीक है कोई बात नहीं एप्पल एंड ऑरेंज ऐपल एंड ऑरेंज के प्राइसेस के अंदर मैं देख रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि अगर ऑरेंज का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे एप्पल को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एप्पल की डिमांड बढ़ जाएगी और इसी वजह से एप्पल के प्राइस में कोई भी चेंज ना होने के बावजूद भी क्या हो जाएगा डिमांड इसकी एक्सटैंड हो जाएगी जैसे अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल जैसा सेम सेम प्राइस किसका है ग्रेप्स का है लगा लेते हैं भाई ग्रेप्स एंड एप्पल वो थार ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस लेकिन क्या हो अगर ग्रेप्स के प्राइसेस बढ़ जाएं तो तो जो लोग ग्रेप्स के लिए डिमांड कर रहे थे वो यहाँ से अपनी डिमांड को क्या कर देंगे डिक्रीज कर देंगे और इस डिमांड को कहाँ शिफ्ट कर देंगे एप्पल के ऊपर शिफ्ट कर देंगे और एप्पल के लिए डिमांड रेज करने लग जाएंगे एप्पल का प्राइस तो सेम है लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो गई बढ़ गई तो इसे हम कैसे शो करेंगे जो पुराना डीडी कर था उसके इंस्टेड नया करवा जाएगा आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे जो कि है व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस तो सबसे पहले तो आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं याद आया पेन एंड एंक क्लियर है बाइक एंड पेट्रोल बटर एंड ब्रेड याद आया कुछ जिसको हमने किस में पढ़ा था अदर प्रोडक्ट्स जिसकी वजह से आपका डिमांड कर शिफ्ट होता है या डिमांड कर में चेंज होता है उन चीज़ों में हमने पढ़ा था ओके तो अब बात करते हैं कि जब आपका प्राइस सेम रहे ओके और आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं उनके प्राइस में डिक्रीज़ होगा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज़ होगा तो आपके जो ऑरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में क्या कर देंगे इनक्रीज़ कर देंगे देखिए क्या किया मैंने मैंने देखा कि इंक का प्राइस गिर गया है तो अब मेरे लिए पेन को ख़रीदना इंक पेन को ख़रीदना सस्ता हो गया क्यों सस्ता हो गया क्योंकि मुझे पेन में क्या चाहिए होगी इंक चाहिए होगी और अगर इंक ही सस्ती हो गई तो मेरे लिए पेन सस्ता हुआ या महंगा बताइए सस्ता हुआ ना तो इसीलिए मैंने पेन को अब परचेज़ करना शुरू कर दिया इंक पेन को जिनको पहले मैं शायद हैवी इंक प्राइसेस की वजह से अवॉइड कर रही थी और मैं बॉल पेन्स खरीद रही थी अब मैंने क्या किया इंक के प्राइसेस में जैसे ही कमी आई मैंने पेन को परचेज़ करना इंक पेन्स को परचेज करना स्टार्ट कर दिया और इसे भी हम ऐसे ही शो करेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट की तरफ नेक्स्ट एक फोर्थ पॉइंट आता है हमारा दैट इज़ टेस्ट ऑफ़ कंज्यूमर इन फेवर ऑफ़ कमोडिटी सी क्या होता है ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगता है कि चेक वाली जो शर्ट है ना वो बहुत अच्छी लग रही है क्यों क्योंकि आपने किसी फेमस सेलिब्रिटी को वही चेक्स वाली शर्ट को पहने हुए देखा जो शायद काफ़ी टाइम से आपके वॉर्ड्रोब में दबी पड़ी थी अब आपने देखा कि यार ये तो बहुत पुरानी पुरानी सी डल डल सी लग रही है क्यों ना चेक्स में जा कर के बाजार से एक और शर्ट खरीद ली जाए बिना किसी रीज़न के आपने वही चेक वाली शर्ट सालों पहले की खरीदी हुई चेक वाली शर्ट पहनी भी और नई चेक की शर्ट भी खरीद लाए क्यों कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो उस कमोडिटी के फेवर में आ गया है अगर आपका टेस्ट और प्रेफरेंस कमोडिटी के फेवर में आएगा तो डिमांड क्या करेगी कमोडिटी की इंक्रीज हो जाएगी जैसे आप बहुत वक्त से पोहा उपमा और यही सब खा रहे थे ऑल ऑफिसन यू नो कि ब्रेड जो ब्राउन ब्रेड आया है मार्केट में वो हेल्दी भी होता है तो आपने क्या किया उस प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू किया इसे कहते हैं फेवर ऑफ कमोडिटी और जैसे ही आपने उसे अपने फेवर में समझा आपने उसकी डिमांड को इंक्रीज कर दिया पहले ही काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे अब आप लोग भी डिमांड कर रहे हो जैसे कि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ हो रहा है जैसे कि आजकल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ हो रहा है आई वाले मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में हो रहा है ये सब कमोडिटीज़ क्या हैं कंज्यूमर्स को अवेयर करती हैं और जो जो कंज्यूमर्स अवेयर हैं वो उन कमोडिटीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं और उनकी तरफ अपनी डिमांड को एक्सटेंड कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे जो कि है एक्सपेक्टेशंस टू डिक्रीज इन नियर फ्यूचर यानी कि जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नियर बाय फ्यूचर में कम होने वाली है जैसे कि फॉर एग्जांपल रख देते हैं गोल्ड द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एवरी वन गोल्ड के प्राइसिस जैसे हमें लगते हैं कि प्राइसिस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में ओके नॉट नाउ अभी भी बढ़े हुए हैं प्राइस फोर्टी थाउजेंड है अभी भी ऑलरेडी फोर्टी थाउजेंड के आसपास का है गोल्ड लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो मुझे ज़रूरत चार महीने बाद है गोल्ड की लेकिन फिर भी मैं क्या कर दूंगी डिमांड जो है उसकी इंक्रीज कर दूँगी यानी कि जब मुझे ये लगेगा कि इस प्रोडक्ट के प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं आज उसका प्राइसिस मुझे कम लग रहे हैं तो इसीलिए मैं उसके प्राइसिस को क्या कर लूँगी तुरंत डिमांड कर लूँगी मुझे जब ये लगेगा कि इस प्रोडक्ट की जो कमोडिटी है जो मेरे पास है इसकी फ्यूचर में जाकर के सप्लाई जो है वो कम होने वाली है तो मैं उसके लिए क्या कर दूंगी उसकी डिमांड आज ही रेज कर दूंगी यानी सप्लाई एक तो पहले ही कम है उसके ऊपर से मैं और डिमांड रेज कर दूं ताकि सप्लाई और कम हो जाए और श्रिंक हो जाए बाकी लोगों को मिले ही ना समझ रहे हैं तो इसे हम कहेंगे एक्सपेक्टेड ने फॉर द प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट से ये एक्सपेक्टेड है कि नियर बाय फ्यूचर में उसका डिमांड उसका जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगा या उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा इस वजह से आप उसकी डिमांड आज की डेट में बढ़ा देते हो क्लियर स्टूडेंट्स फॉरवर्ड शिफ्ट के बाद बारी आती है बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व की तो ये क्या होता है ये होता है लेफ्ट साइड शिफ्ट यानी कि डिक्रीज इन आ डिमांड जब प्रोडक्ट ये वो सिचुएशन होती है जब कमोडिटी डिमांडेड जो है कमोडिटी की वो डिक्रीज हो जाती है विदाउट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का प्राइस जो है दैट इज द सेम स्टिल क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है श्रिंक हो रही है तो ये जो डिक्रीज इन डिमांड है ये अलग अलग रीजन से होता है लेकिन इस डिक्रीज इन डिमांड के बावजूद भी हम क्या देखते हैं हम देखते हैं एक बैकवर्ड शिफ्ट इन आर डिमांड कर पहले हमारा डिमांड कर ये था डी अब हमारा जो न्यू डिमांड कर्व हमारे सामने बन के आएगा वो आएगा ये नया डी डैश डी डैश यानी पहली हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो टेन यूनिट्स थी ऑन द प्राइस ऑफ ट्वेल्व रुपीज़ लेकिन अब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई है सिक्स यूनिट्स हो गई है इंस्टेड ऑफ़ ट्वेल्व ऑन द सेम प्राइस दैट इज़ ट्वेल्व रुपीज़ क्लियर तो इसे हम किन किन नामों से बुलाते हैं इन्हें हम लेफ़्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर भी बुलाते हैं डिक्रीज ऑफ डिमांड कर भी बुलाते हैं बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ़ डिमांड कर भी बुलाते हैं और इसके पीछे रीजंस क्या क्या होते हैं ज़रा एक बार उनको भी देख लेते हैं सेम वेज जैसे इंक्रीज इन डिमांड कर में हमने पांच पॉइंट्स को पढ़ा था उन्हीं पॉइंट्स पांच ही पॉइंट्स को हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं जैसे वहाँ इनकम में इंक्रीज हो रहा था यहाँ इनकम में डिक्रीज़ देखने मिल रहा है जब इनकम घटेगी तो इंसान अपने कंजम्पशन या अपने एक्सपेंडिचर्स में भी क्या करेगा डिक्रीज़ ले आएगा तो एक्सपेंडिचर्स क्या होता है डिमांड से ही तो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं तो डिमांड भी क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली कंसाइव हो जाएगी ऑटोमेटिकली घट जाएगी सेम वेज जब आपका प्राइस ऑफ सब्सिटीट्यूट गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी डिक्रीज कर जाएगी यानी कि एप्पल के कंपेयर में अब ऑरेंज का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया तो जो लोग एप्पल पहले खरीद रहे थे वो अब क्या खरीद लेंगे ऑरेंज खरीद लेंगे जो लोग पहले एप्पल ख़रीद रहे थे अब ग्रेप्स के प्राइसेस में डिक्रीज होने की वजह से अब ग्रेप्स को प्रेफरेंस देंगे सोचेंगे कि चलो एप्पल तो रोज़ खाते हैं एप्पल के प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है आज ग्रेप्स सस्ते मिल रहे हैं क्यों ना अंगूर ही खा लें ठीक है तो वो लोग क्या करेंगे ग्रेप्स के लिए अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे और एप्पल की तरफ से अपनी डिमांड को शिफ्ट कर लेंगे अंगूर के प्राइसिस कम हुए हैं रिमेंबर स्टूडेंट्स अंगूर के प्राइसेस कम हुए हैं एप्पल के नहीं एप्पल का सेम है लेकिन क्योंकि अंगूर के प्राइस कम हुए आपने कंपटीशन को देखते हुए अपने एप्पल के प्राइसेस को कम नहीं किया तो कंज्यूमर्स कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे पड़ोसी प्रोडक्ट्स के पास ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे दो शॉप ए और बी ए और बी दो शॉपकीपर्स हैं एक शॉपकीपर ने अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस घटाया तो प्राड... कंज्यूमर्स क्या करेंगे बी शॉपकीपर वाले भी ए के पास आना शुरू कर देंगे क्यों क्योंकि वो सस्ता दे रहे हैं ना भाई प्रोडक्ट तो वो सस्ते वाले प्रोडक्ट्स के पास जाएंगे ना सेम वेज आपके सब्सिट्यूट गुड्स के होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ ऑपोजिट रिलेशन है यानी कि जब आपको ये लगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं यानी मेरी इंक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूंगी मैं अपने इंक पेन के प्राइसेस को इंक पेन की डिमांड को कम कर दूंगी मैं पेन खरीद रही हूँ इंक पेन लेकिन मेरी इंक के प्राइसेस बढ़ गए इंक के प्राइस बढ़े तो मैंने पेन की डिमांड कम कर दी क्योंकि अब मेरे लिए वही पेन कॉस्टली हो जाएगा तो मैंने पेन की डिमांड को कम कर दिया और मैं बॉल पेन की तरफ में शिफ्ट कर गई क्लियर स्टूडेंट्स तो इसे कहेंगे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जब इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर जैसे पहले बहुत सारे लोग थे जो कॉस्मेटिक्स uh, से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ले रहे थे लेकिन अब वो क्या ले रहे हैं वो हार्मफुल केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स को रिजेक्शन में डाल रहे हैं तो उन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा उन कंज्यूमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंस उस प्रोडक्ट के लिए डिक्रीज हो गया और इसीलिए उन्होंने क्या कि अपनी डिमांड को वहाँ से शिफ्ट करके किसी और प्रोडक्ट में डाल दिया और आपकी तरफ से डिमांड डिक्रीज़ हो गई सेम ही चीज़ होती है आपके अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में यानी कि जहाँ आपको ऐसा लगता है कि नियर बाय फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की डिमांड या सप्लाई जो है वो इंक्रीज होने वाली है उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नियर बाई फ्यूचर में सप्लाई जो है उसकी इंक्रीज़ होने वाली है तो हम उसकी डिमांड को अभी कम कर देते हैं क्यों क्योंकि जब सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली फ्यूचर में कम हो जाएंगे यानी इस प्रोडक्ट के प्राइसिस फ्यूचर में हमें लग रहा है कि कम होने वाले हैं और इसीलिए आज की डेट में हम इसकी डिमांड कम कर देते हैं क्यों कम कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कल आज जो प्रोडक्ट दस रुपए में खरीदने मिल रहा है ना कल यही प्रोडक्ट आठ रुपए में मिलेगा जब आठ में मिलेगा ना तब खरीद लेंगे कोई बात नहीं अभी इसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं अभी के लिए इस प्रोडक्ट डिमांड को होल्ड पे रखते हैं क्योंकि हमारे लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी तो है नहीं अगर बहुत ज़्यादा जरूरी प्रोडक्ट है तो उनके साथ तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए चाहे जो मर्जी प्राइस हाई हो जो मर्जी प्राइस लो हो उनकी कंजम्पशन लोग करेंगे ही करेंगे तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं नॉर्मल डेली बेसिस के लिए हम यूज करते हैं जो हमारे यूजल प्रोडक्ट्स होते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट्स नॉर्मल गुड्स के बारे में मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूं तो जब नॉर्मल गुड्स होंगे तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होने वाला है नियर बाई फ्यूचर में तो आप उसकी डिमांड को आज की डेट में कम कर देंगे आज के हमारे लेक्चर में हमने कवर किए हैं स्टूडेंट्स दो टॉपिक एक है फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ़ डिमांड कर अनदर वन इज़ बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ़ डिमांड कर बैकवर्ड शिफ्ट के पीछे भी मैंने आपको रीज़न्स बताए थे और फॉरवर्ड शिफ्ट के पीछे भी मैंने आपको रीज़न बताए थे फॉरवर्ड शिफ्ट में मैंने चार चीज़ों को तीन चीज़ों को इंक्रीज बताया इनकम को सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइसेस को एंड आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस को इन सब का फेवरेबल होना जो है वो आपके प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाएगा जबकि यहाँ डिक्रीज इन प्रोडक्ट्स में मैंने दो चीज़ों को इंक्रीज़ किया एक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसिस को बढ़ाया और एक मैंने फ्यूचर में होने वाली प्रोडक्ट की सप्लाई को भी बढ़ाया यानी कि बाकी के दो प्रोडक्ट्स इस टाइम में डिक्रीज हुए होंगे और बाकी के तीन प्रोडक्ट्स इस टाइम में डिक्रीज हुए होंगे dear yes, students that's it for the day thank you for watching the video